नमस्कार YouTube परिवार, मैं आपकी प्रतिभा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल UP32 जिंदगी जिंदाबाद। अक्षय तृतीया या आखा तीज आ रही है, आखिर ये क्या है, क्यों मनाई जाती है, पूजा का विधान क्या है, मुहूर्त क्या होगा, क्या इस दिन वाकई सोना खरीदा जाना चाहिए, ऐसे ही बहुत सारी बातें आज जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग और जिंदगी जिंदा। अक्षय तृतीया या आखा तीज अनंत अक्षय फल देने वाली है। कहा जाता है कि इस दिन का किया हुआ काम हमें बहुत फलदायी होता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं, हम अपने हिंदू समाज में बहुत सारी माइथोलॉजिकली कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं और चीजों को जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा शास्त्र विधान कितना रिच है कि इतनी इतनी चीजें हमारे पास जो पहले होती थी, जैसे कि अगर एक संकल्पना की बात करूं तो आज हम हवाई जहाज को बहुत बड़ा आविष्कार मानते हैं, लेकिन अगर रामायण पढ़ी जाए तो उड़न खटोले का प्राविधान तब भी किया गया था, तो वो एक तरीके से हवाई जहाज ही तो था। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें माइथोलॉजिकली हमें कनेक्ट करती हैं। अच्छा, अगर मैं बात आध्यात्म की करूं तो आध्यात्म हमारे मन को, हमारी आत्मा को शुद्ध करने की एकमात्र विधि है। आध्यात्म हमें मानसिक रूप से तो स्वस्थ रखता ही रखता है, साथ में हमें थोड़ा थोड़ा चीजों के साथ बिजी भी रखता है। मैं जानती हूँ आजकल की जो जीवन शैली है वो इतनी ज्यादा व्यस्त है कि जिसकी वजह से सबसे ज्यादा असर हमारे त्योहारों पे पड़ गया है। त्योहार आते जरूर हैं लेकिन मनाने में किसी का मन नहीं लगता, वो इंथुजियाज्म, वो छोटी छोटी चीजें जो किया करी जाती थी, जो हम बचपन में करते थे, वो अब देखने नहीं मिलती है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जीवन जो है वो बहुत क्षणिक है, बहुत क्षणिक है, छोटे छोटे चीजों का आनंद लीजिए। ये जो त्योहार, व्रत, ये सब जो हमारे जीवन में आते हैं, ये मौके हैं मेमोरीज क्रिएट करने की, चीजों को जानने की, अपने धर्म से जुड़ने की, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि उसका महत्व पहचान करके उसको जीवन में आत्मसात करने की। तो अक्षय तृतीया भी हमारे जीवन में आई है, तो मैं इस बार महालक्ष्मी से ये प्रार्थना करती हूँ, मैं विष्णु भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश रहें, आपके घर में बहुत सारी खुशियां आए और सारे के सारे। भाई मुझे तो बचपन से ये माइथोलॉजिकल कहानी सुनने में बड़ा मजा आता था, हमने खेल खेल में ही सारी चीजें सीखी, सुनी और समझी। आप भी अपने बच्चों को या घर में जो भी इस बारे में इंटरेस्टेड है या सबको एक छोटी छोटी चीजें या छोटी छोटी कहानियां ढूंढ करके जरूर सुनाइए कि आखिर ये फेस्टिवल या ये तिथि क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बता दूं कि इसी दिन त्रेता युग और द्वापर युग प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। इस दिन कलयुग भी प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इसे युगादि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको और बता दूं कि विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव भी धरा पर इसी दिन आए, तो इसका तुम माइथोलॉजिकल महत्व तो बहुत ही बढ़ जाता है जैसा कि हम जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस दिन जैसे हम लोग हर चीज के लिए एक शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, कुछ लोग इस बात में मानते हैं और कुछ लोग इस बात में नहीं मानते। तो मैं एक जनरल सी जानकारी शेयर कर रही हूँ कि जैसे कि हम लोग किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त विचारवाते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो मुंडन हो, चाहे वो बच्चे का नामकरण हो, चाहे वो गृह प्रवेश हो और तमाम चीजें, आज का दिन इतना शुभ माना जाता है कि आज के दिन हमें किसी भी तिथि को विचरवाने की जरूरत नहीं होती है। ना बहुत इंटरेस्टिंग सी बात। मैं और दो बहुत बेहतरीन इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ। हो सकता है कि ये वाले फैक्ट जो अभी तक मैंने आपसे शेयर किए हैं वो आपको पहले से पता हो, लेकिन ये दो फैक्ट ऐसे हैं जिनके बारे में जानकर के आपको बहुत मजा आएगा और आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। तो वो दो फैक्ट कौन से हैं? हमारे तीर्थ स्थल बद्री नारायण के पट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं और वृंदावन के बांके बिहारी जी के चरण दर्शन का प्राविधान भी सिर्फ और सिर्फ अक्षय तृतीया में ही है। तो एक बार जरा जोर से बोल दीजिए, बांके बिहारी लाल की जय। मैं आपको बताती हूँ एक और बड़ी खूबसूरत सी बात कि हमारे जो हिंदू पंचांग होते हैं उसमें 3.5 अक्षय मुहूर्त कहे जाते हैं, जिसमें से अक्षय तृतीया को सबसे उत्तम माना जाता है, जिसमें से चैत्र का गुड़ी पाड़वा, वैशाख की हमारी अक्षय तृतीया और अश्विन माघ में पड़ने वाला हमारा विजयदशमी का त्योहार और दिवाली का पाड़वा, इसे कुल मिलाकर के 3.5 अक्षय मुहूर्त कहे जाते हैं। मैं और एक बात आपको बताती हूँ कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन जिसकी शादी होती है, जिन जो परिणय सूत्र में बंधते हैं, उनका जो बंधन होता है वो अक्षय होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। तो सबके साथ ऐसा सबका साथ बना रहे, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ। अच्छा, ये भ्रांति है या सच कि हमें आज के दिन सोना खरीदना चाहिए? तो मैं इसके पीछे एक लॉजिक है उसे क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है अक्षय,
जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। तो लोग धन में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे किसी चीज को खरीदते हैं, प्रॉपर्टी या फिर सोना खरीदते हैं या चांदी खरीदते हैं। उसको खरीदने का मेन पर्पस ये है कि वो ऐसा मानते हैं कि अगर हम आज के दिन कोई चीज खरीदेंगे तो हमारे घर की जो धन संपत्ति ऐश्वर्य सुख समृद्धि है वो हमेशा बढ़ती जाएगी, दिनों दिन बढ़ती जाएगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि सबके घरों में खुशियां बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अक्षय तृतीया में दान का भी अपना एक अलग महत्व है। आप यथाशक्ति से दान कर सकते हैं, इससे आपको मन में संतोष मिलता ही है। और अगर आप इसे किसी माइथोलॉजिकली, किसी भी लॉजिक से कनेक्ट करके ना देखें, तो आप जिसको भी थोड़ा बहुत कुछ जो नहीं समर्थ है उसको आप देंगे तो वो मन में खुशी महसूस करेगा और हमें भी खुशी होगी कि हमारी वजह से या हम एक सहारा बने। ईश्वर ने हमें इस तरीके से इतना प्रबल सबल बनाया कि हम किसी की मदद कर पाए। तो आप अपने हिसाब से अक्षय तृतीया पे थोड़ा बहुत जो भी आपको लगता है, जो सही लगता है, जो आप कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, वो दान जरूर कीजिए। पंछियों को दाना रखना और जब बाहर आई गाय को रोटी खिलाना कभी मत भूलिएगा। ये कुछ नहीं ले जाते हमारे घर से, एक रोटी खा करके या थोड़े से दाने चुग करके जाते हैं, लेकिन गर्मी बहुत है, जैसे गर्मी बहुत है तो पानी हमें भी बार बार चाहिए। आप लोग भी प्लीज ऐसा करिए कि चिड़ियों के लिए भी पानी और दाना जरूर व्यवस्था करके रखिए। अब मैं बात करती हूँ कि अक्षय तृतीया में हम पूजा किस तरीके से करते हैं। तो आज के दिन जो है महालक्ष्मी की पूजा का प्राविधान है और महालक्ष्मी की पूजा विष्णु भगवान की पूजा के बिना अधूरी है। ये दोनों ऐसे साक्षी हैं कि अब हम सब जानते हैं कि इनकी पूजा की महिमा क्या है। तो मैं आपको बताती हूं कि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा में सफेद और पीला गुलाब या फिर व्हाइट कमल का फूल जरूर यूज कीजिए और उससे भगवान प्रसन्न होंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। और महालक्ष्मी की पूजा कीजिए, अपने घर के जहां पे भी आप पैसे रखते हैं या अपना पर्स आप क्लीन करिए, उस दिन अपने पर्स को क्लीन करिए, अपनी तिजोरी को क्लीन करिए और उसके बाद वहां पे भी पूजा करिए, धूप दीप दिखाइए। विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्ते का भी बहुत ज्यादा प्राविधान है और महत्व है। तो कहते हैं कि विष्णु भगवान कुछ भी बिना तुलसी के पत्ते के स्वीकार नहीं करते हैं। तो भोग बनाइए, उसमें तुलसी का पत्ता डालिए और विष्णु भगवान को चढ़ाइए। महालक्ष्मी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दिन आपको कोई भी मुहूर्त विचरवाने की जरूरत नहीं होती है, तो ये पूरा दिन बहुत शुभ माना जाता है। आप लोग भी अपने घरों में अच्छी अच्छी डिशेस बनाइए, अच्छे से अक्षय तृतीया मनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट में कि आप लोगों ने कैसे मनाया और ये जो जानकारियां मैंने आपको दी है ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप एक लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो मुझे बहुत 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 कॉन्फिडेंस मिलता है और मैं छोटी छोटी अलग अलग टॉपिक्स लेकर के आपके सामने आती हूँ। तो जिंदगी को जिंदाबाद रखिए और बने रहिए मेरे साथ जिंदगी जिंदाबाद यूपी 32 में।